दोपहर को आराम कर रही शेरनी की तरफ ये बबलिया नाम का शेर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बबलिया अपने पैरों का सही इस्तेमाल करते हुए गुगली करने के मकसद से आगे बढ़ता है, लेकिन बबलिया यह भूल गए कि इसकी गुगली से वह खुद ही आउट होने वाला है। नजदीक जाने पर बबलिया जोरों से शेरनी को गुदगुदी करता है। शेरनी झटके से खड़ी होकर बबलिया को दो चार खींच के मारती है और बोलती है, शर्म नाम की चीज है कि नहीं आप में, कहीं भी शुरू होते हो, घर पर तो आराम करने नहीं देते, बाहर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते आप, दूर हटो मेरी नजरों से, आराम करने दो मुझे। दरअसल ये बबले की पत्नी है जिसका नाम चंपा है। बेचारा बबलिया चुपचाप पत्नी के ताने सुनता है। बबलिया करे भी तो क्या करे, वक्त के साथ इसकी पत्नी का इंटरेस्ट कम हो गया है, पर बबलिया के अंदर अभी भी करंट बाकी है। इसके करंट को अर्थिंग की सख्त जरूरत है, इसके अंदर के करंट को बहने देना जरूरी है। इसकी पत्नी जब भी नजदीक आती तो इसे कट मार के चली जाती, बेचारा बस पत्नी को पीछे से देखता रहता। इसकी पत्नी घूमकर वापस आती तो उसे लगता कि अब पत्नी किस करने वाली है। बबलिया किस करने के लिए जैसे ही अपना मुंह आगे करता है तो चंपा उस पर गुस्सा करके बोलती, दूर हटो, 24 घंटे दिमाग में एक ही ख्याल रहता है, कभी तो जंगल घूम लिया करो, पूरा दिन घर पर पड़े रहते हो, जाओ मुझे आराम करने दो। बेचारे बबले की जिंदगी जंड हो गई है, जंगल का राजा होने के बाद भी इसे घर पर इज्जत नहीं मिलती। बस यही सोच के बबले जोर जोर से रोने लगता है। इसके दहाड़ से हमें लगता है कि यह अपनी दहाड़ से जंगल में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है, पर असल में इसके दहाड़ के पीछे कुछ अलग रीजन भी हो सकता है। बबले अपने जज्बातों को हल्का करने के लिए जंगल में घूमने लगता है। बबले को एक साथी की सख्त जरूरत है। एक जगह बबले रुक कर कुछ सूंघने लगता है। बबले को दूसरी शेरनी के मूत्र की गंध आती है। गंध को सूंघते ही बबलिया मदहोश होता है। बबलिया उसी गंध में पूरी तरह खो जाता है। बबलिया उठकर देखता है कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी पत्तों की हलचल होती है तो बबलिया तुरंत दूसरों देखने लगता है। बबलिया पूरी तरह बावरा हो गया है। अब इसमें चंपा की भी कोई गलती नहीं, इसे घर का पूरा काम करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, बच्चों की हरकतों को भी संभालना पड़ता है। घर का काम करने से लेकर शिकार करने तक सबकी जिम्मेदारी चंपा पर ही है। बच्चे भी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। एक बच्चा 2-2 किलो गोश्त फस्ट कर देता है। घर की जिम्मेदारी होने से वक्त के साथ साथ मादा के अंदर वह फीलिंग धीरे धीरे कम होती है। थोड़ी देर बाद बबलिया चुपचाप मुँह लटका के घर लौट आता है और एक कोने में खड़ा रहता है। बबलिया को देखते ही चंपा उस पर चिल्लाना शुरू करती है। चंपा बोलती है, खाली हाथ घर लौट आए, शिकार कहाँ है? बबलिया चुपचाप मुंडी नीचे करके ताने सुनता है। चंपा फिर शुरू करती है, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, शिकार कहाँ है? बबलिया धीमी आवाज में बोलता है, शिकार नहीं मिली। चंपा चिल्लाती है, क्या क्या, जरा जोर से बोलो। बबलिया मुंडी घुमा के बोलता है, कहाँ ना शिकार नहीं मिली। पत्नी से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं बबलिया में। चंपा फिर शुरू होती है, शिकार मिली नहीं, बल्कि तुमने शिकार पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी वहाँ से चंपा की पड़ोसन गुजरते हुए बोलती है, मेरा पति तो रोज शिकार पकड़ के लाता है। बबलिया पड़ोसन की तरफ मुड़ के बोलता है, चुपचाप जाना, काय को आग में घी डालने का काम कर रहे तू। पड़ोसन वापस जाते हुए बोलती है, भला मैं क्यों आग में घी डालूंगी, मेरे घर में घी है ही नहीं। अपनी माँ का रुद्र रूप देखकर बच्चे कोपचे में जाकर बैठते है। चंपा बोलती है, बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ। चंपा बबलिया की तरफ मुड़ के बोलती है, अब मेरा मुँह क्या देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे ये बबली नाम की शेरनी अकेले खाना खा रही थी। तभी वह देखती है कि हाइना की गैंग उसकी तरफ चली आ रही है। हाइना हम होंगे कामयाब गाना गाते हुए बबली को घेर लेते हैं। इतने सारे हाइना को देख बबली पानी पानी होती है। बबली अपनी इज्जत बचा के भागती है। हाइना कुछ ही दूरी पर उसे रोकते है। बबली अपने रहम की भीख मांगती है। वह बोलती है, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। एक हाइना आगे आकर बोलता है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, छूना चाहता हूँ तुझे, पर तू भी बड़ी सख्त सख्त है। तभी बबली का चेहरा रिलैक्स नजर आता है। सारे हाइना मुंडी उठाकर उस ओर देखने लगते हैं। उनकी तरफ एक जानवर चला आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही बबलिया है जिसने कल अपनी पत्नी से गालियां खाई थी। बबलिया आते ही अपनी पत्नी का गुस्सा हाइना पर निकालने लगता है। बबलिया बबली की तरफ मुड़ के बोलता है, तू टेंशन मत ले, अपन आ गया है। अब बबली थोड़ी रिलैक्स नजर आती है। बबलिया सारे हाइना को दूर भगाता है। बबलिया चिल्ला के बोलता है, हिम्मत है तो छू के दिखाओ। सारे हाइना पिछवाड़े में पूछ घुसा के खिसकते है। बबलिया बबली की तरफ वापस आने लगता है। बबली और बबलिया की नजर एक दूसरे से मिलती है। बबली बबलिया की तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है। बबलिया वही क्लीन मोल्ड होता है। यह देख वहाँ खड़ा गोटिया नाम का हाइना बोलता है, तो यह बात है बबलिया, तुझे तो मैं फुर्सत के साथ देखूंगा, चलो रे। उस दिन के बाद बबलिया पूरा दिन बबली के ख्यालों में डूबा रहता। बबलिया का चेन वेन सब बबली ने छीन लिया। बबलिया सोचता है, कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ वो, दिल करता है उसकी आंखों में खो जाऊं। एक दिन दोपहर को बबली अकेले ही किसी का झूठा बचा हुआ खाना खा रही थी। बबलिया उसे पीछे से देखते हुए बोलता है, कितनी शांत और इनोसेंट है ये, जो मिला उसी में एडजस्ट करती है ये, और एक मेरी पत्नी है जो दिन रात चिल्लाती रहती है। बबलिया मन ही मन सोचता है, कहा थी तू अब तक, मुझे पहले क्यों नहीं मिली।
शायद बबले को यह नहीं पता कि शादी से पहले हर नारी प्यारी होती है और शादी के बाद आतंकवादी होती है। बबले उठकर चलने लगती है। बबले भी उसके पीछे चलता है और पीछे से आकर बोलता है, अरे तुम यहाँ। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में दोनों में प्यार का इजहार होता है। फिर उनका मिलना जुलना शुरू होता है। वे घंटों तक बातें करते हैं, लेकिन बबले के अंदर का करंट उसे चैन से बैठने नहीं देता। वह बार बार बबली के पिछौड़े को सूंघता रहता है। आखिर वह अपने मन की बात बताने की ठान लेता है। वह बबली की तरफ मुड़ के बोलता है, ये सुनना, कल सुबह आगे वाली पहाड़ी के पीछे वाले खंडहर में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूंगा। बबले की सारी बातें वहाँ खड़ा गोटिया नाम का हैना झाड़ियों में छुपकर सुनता है। गोटिया मन ही मन हंसते हुए बोलता है, तो राजे एक्सटर्नल लव अफेयर करने की सोच रहे। प्यार की शुरुआत तुम करो, लेकिन खत्म मैं करूंगा। गोटिया कैमरा की तरफ देख के बोलता है, पिक्चर की आखिरी फाइट आगे वाली पहाड़ी के पीछे वाले खंडहर में होने वाली है, देखना जरूर, ओके। दूसरे दिन सुबह रास्ते से जाते वक्त गोटिया देखता है कि बबले की पत्नी चंपा पेड़ की छांव में आराम कर रहे है। गोटिया विनम्रता के भाव चेहरे पर लाकर चंपा के पास जाकर बोलता है, महारानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चंपा बोलती है, बोलो। गोटिया बोलता है, बात पर्सनल है, थोड़ा नजदीक आइए। चंपा नजदीक आकर बोलती है, हाँ बोल गोटिया, क्या बात है। गोटिया बोलता है, अब छोटा मुँह बड़ी बात कैसे कहूँ। चंपा बोलती है, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गोटिया हंसते हुए बोलता है, आप भी मेम्स वीडियो देखती हो क्या। चंपा बोलती है, हाँ देखती हूँ, आगे बोल। गोटिया बोलता है, आप देखते रहना मेम्स वीडियो, आपके पीठ पीछे आपका पति आपकी गेम्स बजा रहा है। चंपा गुस्सा करके बोलती है, साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है तू। गोटिया बोलता है, आपका पति बबली के साथ आगे वाली पहाड़ी के पीछे वाले खंडर में 1v1 TDM खेल रहा है। जल्दी जाओ और थर्ड पार्टी करो, वरना वह जीत जाएगा। मेरा काम था आपको आगाह करना, वह मैंने कर दिया। चंपा गुस्सा करके बोलती है, बबले तू कब सुधरेगा। आज बबले की खैर नहीं। चंपा तूफानी रफ्तार से खंडर की तरफ चल पड़ती है। बबलिया बबली को मिलने आगे वाली पहाड़ी के पीछे आता है। बबली पहले से ही बबले का वेट कर रही थी। बबली बबले के पास जाकर बोलती है, बोलो ना क्या बात है। बबली बबले की पप्पियाँ लेना शुरू करती है। बबलिया बोलता है, जानू यहाँ नहीं, खोपचे में चल। बबलिया इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। दोनों आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते बबले बबली को पीछे से घूरता है। कुछ ही देर में दोनों खंडर के पास होते हैं। वहाँ पर पहले से ही एक कपल बैठी हुई थी। ये सिर्फ VIP एनिमल्स का लव पॉइंट है। बबले और बबली अंदर घुसते हैं। कुछ ही देर में वहाँ चंपा आती है। चंपा के चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। वहाँ बैठे कपल के पास जाकर चंपा बोलती है, मेरे पति को देखा क्या तुमने। वहाँ पर बैठा मजनू बोलता है, नहीं। चंपा आगे बढ़ते हुए बोलती है, गोटे ने तो यही ठिकाना बताया था, कहाँ बैठा होगा मेरा पति, कहीं इस पत्थर के पीछे तो नहीं। चंपा पत्थरों के बीच से देखने की कोशिश करती है, पर उसे अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता। चंपा आगे बढ़ती है। वह नजदीक जाकर एक पेड़ की छांव में बैठकर पति का इंतजार करने लगती है। पति को रंगे हाथ पकड़ने के मकसद से चंपा पति का वेट करती है, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद जब उसका पति खंडर से बाहर नहीं आता, तब वह वहाँ से चल पड़ती है। बबले बाहर आकर पत्नी को आसपास देखता है। बाहर बैठे मजनू ने बबले को उसकी पत्नी के बारे में बताया था। बबले को उसकी पत्नी से पहले घर पहुँचना होगा। बबले जाते वक्त बबली को बोलता है, अगर मैं जिंदा बचा तो फिर मिलेंगे। बबले तूफानी रफ्तार से बाईपास के रास्ते शॉर्टकट से घर की तरफ भागता है। तभी चंपा बबले के रास्ते अचानक आती है। चंपा बबले के बदन को सूंघकर बोलती है, किसके साथ रंगरलिया मना रहा था, बोल हरामजादे बोल। इनका झगड़ा पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। चंपा कैमरा की तरफ देख के बोलती है, अभी डिस्कवरी वाले कैमरा लेकर बैठे हैं, उनके सामने झगड़ा करना ठीक नहीं। तू घर चल, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ। घर जाने पर चंपा बबले पर गुस्सा नहीं करती। चंपा मन ही मन सोचती है, शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी रह गई होगी। दूर बैठा बबले पत्नी की तरफ देखकर सोचता है, आज ये गुस्सा क्यों नहीं कर रही। पत्नी को शांत देख बबले को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। बबले उठकर दूर जाकर मायूस चेहरा बनाकर बैठता है। थोड़ी देर बाद चंपा बबले के पास आकर बोलती है, I am sorry, मुझे माफ कीजिए, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं आपके जज्बातों को समझ ना सकी। फिर दोनों तेरे नाम के सलमान खान और भूमिका चावला की तरह रोते है। बबले चंपा को बोलता है, तुझे मुझ पर खामा का शक नहीं करना चाहिए था। चंपा बोलती है, मैं आप पर शक नहीं करती, बस उस गोटिया ने मुझे उकसाया। बबले बोलता है, गोटिया, कौन गोटिया। चंपा बोलती है, अरे वही गोटिया नाम का है ना, जो हमारे पड़ोस के जंगल में रहता है। बबले मन ही मन बोलता है, अच्छा ऐसा क्या। बबले वही खुले में कार्यक्रम निपटा लेता है। बबले मन ही मन बोलता है, गोटिया मैं आ रहा हूँ। बबले पड़ोस वाली शेरनी के पास जाकर बोलता है, ये गोटिया नाम का है ना कहाँ मिलेगा। वहाँ खड़ी शेरनी बोलती है, यही कहीं आसपास जंगल में घूम रहा होगा। बबले बोलता है, सारे कमीने एक कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानो उसे। शेरनी बोलती है, मैंने सुना है वह दो पैरों पर चलता है। बबल्या बोलता है, दो पैरों पर चलता है, ऐसा कैसे। शेरनी बोलती है, बगल वाले जंगल में अक्सर वह अकेला घूमता है, तुम जाकर देखो वह वहीं पर होगा। इधर जंगल में गोटिया अकेला घूम रहा था, वह जंगल में घूमकर इधर की खबरें उधर पहुंचाने का काम करता है और जानवरों में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम करता है। गोटिया को देख बबल्या बोलता है, यह तो चार पैरों पर चलता है, यह गोटिया नहीं हो सकता। फिर भी बबल्या उसके पीछे चलता है। गोटिया कुछ दूर जाने पर वापस मुड़कर देखता है कि कोई कोई आसपास तो नहीं है। बबल्या गोटिया को छुपकर देख रहा था।
आसपास कोई नहीं है कंफर्म करने के बाद गोटिया दो पैरों पर चलने लगता है। पिछले पैर मोड़कर आगे पैरों पर बैलेंस करके गोटिया चलने लगता है। बबल्या आगे आकर बोलता है, माखी आ किसकी, तू ये गोटिया है। बबल्या उसे कुछ नहीं करता, बबल्या उसे जाने देता है। दूसरे दिन बबल्या पूरी मीडिया लेकर गोटिया के इलाके में जाता है। बबल्या गोटिया को बोलता है, चल दो पैरों पर चल के दिखा, तेरा यह रूप अब पूरी दुनिया देखेगी। गोटिया बोलता है, चलता हूँ पर मुझे मारना मत। गोटिया अपनी गोटी पैरों के बीच दबाकर आगे के पैरों पर बैलेंस करते हुए घास से बाहर आता है। पीछे से बबल्या उसे मारते हुए बोलता है, मेरा घर उजाड़ेगा तू। उस दिन बबल्या ने गोटिया की सारी पोल खोल दी। गोटिया बबल्या के सामने रहम की भीख मांगता है। आखिर को गोटिया पर दया आती है, वह गोटिया को जाने देता है। उस दिन के बाद गोटिया ने दो पैरों पर चलना छोड़ दिया। इधर बबल्या और चंपा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आती है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपके चेहरे पर इतनी सी भी स्माइल आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक